स्वीटीज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं गर्मी के लिए एक ऐसी स्पेशल ड्रिंक जो आप एक बार बनाएंगे तो बार बार आपको बनानी पड़ेगी। तो देखिए ये बनाएंगे हम कस्टर्ड शेक। तो देखिए इसके लिए मैंने लिया है ये 1.5 लीटर दूध, तो ये लिया है मैंने फुल फैट मिल्क। आप चाहें तो भैंस का या फिर फुल फैट हो तो आप ये ले सकते हैं। साथ ही लिया है मैंने 1 टेबल स्पून सब्जा सीड्स, जिसको चिया सीड्स भी बोला जाता है। साथ ही मैंने ये 20 बादाम की का पेस्ट बना लिया है। बादाम को भिगो के आधे घंटे और फिर उनको ग्राइंड करके इस तरीके से पेस्ट बना लिया है। साथ ही लिया है मैंने 2 चम्मच रोज सिरप। साथ ही लिए 3 बड़े चम्मच मैंने ड्राई फ्रूट्स, तो इसमें मैंने लिए हैं जिनको बारीक कट कर लिया है, तो इसमें मैंने लिए हैं बादाम, काजू और पिस्ता। आप अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हैं। और साथ ही मैंने लिया है 1 चम्मच किशमिश, तो आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो आप अपनी इच्छा से ले सकते हैं और कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। साथ ही 2 चम्मच लिया है मैंने कस्टर्ड पाउडर, तो ये मैंने लिया है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का। आप केसर पिस्ता या केसर बादाम, चॉकलेट, जो भी आपको पसंद हो बनाना चाहते हो वो ले सकते हैं। साथ ही लिया है मैंने 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, इससे दूध की थिकनेस है वो जल्दी आ जाएगी और अच्छा भी बनेगा। और साथ ही लिया 1/2 कप मैंने चीनी। ये दूध लिया है तो सबसे पहले इस दूध में मैं डाल देती हूँ 1 कप पानी, या फिर आप बोल सकते हैं 1 गिलास पानी। डाल देते हैं हम 1 गिलास के लगभग पानी, क्योंकि काफ़ी गाढ़ा है तो हमें सेक है वो पतला होता है, तो हमें पतला बनाना है तो इसलिए मैंने यूज किया है। अगर आपको गाढ़ा बनाना है तो आप पानी का यूज ना करें, ऐसा ही बना ले। मैंने गैस पे रख दिया है बॉयल होने के लिए हाई फ्लेम पे, तो दूध में आने देते हैं हम उबाल। लिए हैं सब्जा सीड्स या जिनको चिया सीड्स बोला जाता है वो, तो इनको हम भिगो देते हैं। ये 10 मिनट में हमारे फूल के तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल ऑप्शनल है क्योंकि ये हमारी शरीर को काफ़ी ठंडक देते हैं, तो इसलिए मैं इसको यूज कर रही हूँ। अगर आप नहीं डालना चाहें तो आप ना भी डालें। तो इनको हम भीगने देते हैं। मैं ये जो हमने कस्टर्ड पाउडर और जो लिया है हमने मिल्क पाउडर, तो इन दोनों को कर लेते हैं मिक्स और इनका भी हम पेस्ट बना लेते हैं दूध में डालने के लिए। तो जो दूध था उसमें से मैंने थोड़ा सा दूध रख लिया था, 2-3 टेबल स्पून, ठीक है। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम इसका पेस्ट बना लेंगे। एकदम लम्स फ्री बनाना है हमें इसको मिक्स करते हुए। हमने एकदम लम्स फ्री बैटर बना के तैयार कर लिया है। देखिए थोड़ी देर बाद ही दूध में आ गया है उबाल, तो हमें इस तरीके से मिक्स करते हुए पका लिया है। तो अब हम दूध में डाल देते हैं कस्टर्ड मिक्स जो हमने बना के तैयार किया था। तो एक हाथ से हमें इसे मिक्स करते रहना और एक हाथ से हमें डालते रहना है। अगर हम एक साथ डाल के चलाएंगे दूध में इस तरीके से मिक्स करेंगे तो दूध में लम्स पड़ जाएंगे। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा एक हाथ से हमें डालते रहना है और एक हाथ से हमें मिक्स करते रहना है। तो इस तरीके से हमें कस्टर्ड का मिक्स इसमें डालना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। देखिए कस्टर्ड का मिक्स डालने के बाद हमें पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसमें डाल देते हैं हम चीनी। आप अपने टेस्ट से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो अब इसको कर देते हैं चीनी को भी मिक्स ताकि जल्दी से पक जाए, और इसको 2 से 3 मिनट और पका लेते हैं। ये दूध को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अब गैस का फ्लेम कर देते हैं हम ऑफ। दूध को उतार लेते हैं नीचे। दूध को उतार लिया मैंने गैस से नीचे और 3-4 मिनट हो चुके हैं। अभी भी देखिए दूध काफी गर्म है। अब इसमें डाल देते हैं हमने जो बादाम का मिक्सर बना के तैयार किया था वो, और मिक्स कर देते हैं इसमें। और इसको हम अब ठंडा होने देते हैं। देखिए कस्टर्ड सेक हो चुका है हमारा अच्छे से ठंडा, तो इसको मैंने रख दिया था 2 घंटे के लिए फ्रीज में ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। अब इसमें हम डाल लेते हैं जो हमने ड्राई फ्रूट्स तैयार किए थे वो। साथ में डाल देते हैं किशमिश। डाल देते हैं रोज सिरप। तो
साथ ही डाल देते हैं जो हमने चिया सीड्स, देखिए कितने सारे फूल के एकदम जेली की तरह बन गए, तो इनको भी डाल देते हैं। सारी चीजें हो गई अच्छे से मिक्स और कलर भी कितना अच्छा आ गया है, तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। इसे हम सर्व कर लेते हैं एकदम ठंडा ठंडा। तो हमारा 6 से 7 गिलास लगभग बन के तैयार हो जाता है, गिलास पे डिपेंड करता है गिलास का साइज कितना है, तो आप भी जरूर बनाएं इसे अब गर्मियों में। इसमें डाल देते हैं ऊपर से थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। तो हमारा कस्टर्ड शेक बन के तैयार हो गया है। आप इसे ज्यादा ठंडा करना चाहे तो आइस क्यूब का यूज भी कर सकते हैं। अगर आपको ये कस्टर्ड शेक बनाने का तरीका अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।